हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा, फाउंडर ऑफ वीएस एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस की एक वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आने के 3 बहुत बड़े कारण, जो कि मैंने गलती की, बट मैं चाहता हूं कि आप इस गलती से बचें और आप इंग्लिश सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वैसे मैं एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूं और जैसा कि हम जानते हैं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट इंग्लिश में थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं, जिससे वे गलती कर देते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्चुअली जब मेरा इंग्लिश का एग्जाम था तो ऐसा हुआ कि 4 दिन बाद ही मेरा फिजिक्स का भी एग्जाम था, और फिजिक्स को तो आप लोग जानते ही हैं, तो इस वजह से मैं 2 दिन पहले तक भी फिजिक्स पर ही ध्यान दे रहा था और फिर बोर्ड एग्जाम के 1 दिन पहले मैंने इंग्लिश को पढ़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 दिन में क्या क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति बनती है तो आप एक टाइम टेबल सेट करें और दोनों सब्जेक्ट्स पर टाइम के अकॉर्डिंग ध्यान दें। नंबर 2, दूसरा कारण ये रहा कि मेरी अपनी राइटिंग काफी स्लो थी, जिस वजह से कभी इंग्लिश के एग्जाम को मैं पूरा नहीं कर पाता था, जिस वजह से भी कम मार्क्स आने का सामना करना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी इसी कारण से अच्छा स्कोर ना कर सकें, तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हो सके तो डेली 1 पेज फास्ट एंड क्लीन राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज, अपने एग्जाम से पहले 10 प्रैक्टिस पेपर, वो भी टाइम लिमिट के, हर एक पेपर के साथ आपको अपना राइटिंग लेवल फास्ट एंड क्लीन करना होगा, जिससे आप पूरा पेपर अटेंड कर पाओ। नंबर 3, मेरी तीसरी गलती ये रही कि जब भी मैं क्वेश्चन के आंसर को लिखता था तो कोई टाइम लिमिट या वर्ड लिमिट समझ में नहीं आती थी कि कितना लिखूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लिखते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि कितना लिखना है, जिससे हम ऐसे पर क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिससे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैं आपको इसमें ये कहना चाहूंगा कि आपसे जितना क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें, जिससे कि आप उसमें उतना ही लिखें जितना पूछा हो। उसके लिए आपको तैयारी किस प्रकार करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, चैप्टर्स के फ्लो चार्ट्स बनाकर प्रिपरेशन करें। नंबर 2, सेल्फ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड करें। नंबर 3, एग्जाम से पहले कम से कम 10 प्रैक्टिस पेपर अटेम्प्ट करें। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।